तो आज मैं जगत सिंह पुर में मैं आया हूँ और ये उड़ीसा का एक बहुत इम्पोर्टेंट ये जिला है। यहाँ ट्राइबल की संख्या कम से कम 30-35% के ऊपर है या शेड्यूल कास्ट की भी संख्या अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़िले में दलित पर आदिवासी पर अत्याचार होते रहते हैं। मैं उड़ीसा के लोगों को अपील करने के लिए आया हूँ कि उड़ीसा ये सम्राट अशोका की नगरी है। सम्राट अशोका जी ने कलिंग का युद्ध जीता था, लेकिन उन्होंने मतलब ये संघर्ष का मार्ग छोड़कर, युद्ध का मार्ग छोड़कर वो बुद्ध की ओर आए थे और उन्होंने शांति का संदेश दे दिया था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा के मुताबिक, उनके संविधान के मुताबिक जो दलित है, आदिवासी है, उनको उनका अधिकार मिला है। जो अनटचेबिलिटी है वो कानून से खत्म हो चुकी है, और इसीलिए सवर्ण समाज को मेरा अपील है कि आप लोग बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन आज भी तो दलित पर अत्याचार उड़ीसा में और पूरे देश भर में होते रहते हैं। तो दलित और सवर्ण उनको एक करने के लिए मैं उड़ीसा में आया हूँ। यहाँ दो समाज में हमेशा जो विवाद है उसको खत्म करने के लिए इधर मैं आया हूँ। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो योजना है, ये भारत सरकार की योजना, यहाँ पहुँचाने के लिए मैं इधर आया हूँ। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का मैं राज्य मंत्री हूँ। मेरे मंत्रालय का बजट 1,26,239 करोड़ का 2021-22 का बजट है। ट्राइबल का बजट कम से कम 86,000 करोड़ का है और कम से कम 2,25,000 से भी 2,25,000 से भी ज़्यादा बजट हमारे दोनों मंत्रालय का है। तो इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर आगे बढ़ रही है, और इसीलिए मुझे लगता है कि हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अच्छा विकास हो जाएगा। दलित और आदिवासियों को न्याय देने के लिए मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, जो अब्दुल वाली के नेतृत्व में काम कर रही है, तो ये पार्टी सभी वर्गों को जोड़ने का काम कर रही है। खाली दलित और आदिवासियों को ही नहीं, अल्पसंख्यक है और OBC है और सवर्ण समाज के भी लोगों को जोड़ने का काम मेरी पार्टी का है। जो किसान है, खेत मजदूर है, बेरोजगार है, महिला है, छात्र है, ओल्ड एज के लोग है, अनाथ लोग है, ऐसे सभी वर्गों को न्याय देने के लिए मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी काम करती है और पूरे उड़ीसा में रिपब्लिकन पार्टी को मजबूत कराने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। दलित जो समाज है उनका क्या विकास क्या होगा? जो भी इसके लिए मतलब हमने मेरे मंत्रालय की वेंचर कैपिटल फंड नाम की एक स्कीम है, जो 20 लाख रुपए से लेकर 15 करोड़ तक हम लोन देते हैं लिमिटेड कंपनी के लिए, अपना छोटा मोटा उद्योग शुरू करने के लिए। खादी ग्रामोद्योग की योजना है, मुद्रा की योजना है, स्टार्टअप इंडिया की योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाओं का फायदा मतलब उन लोगों को देने के लिए मेरा मंत्रालय कोशिश करता है, और इसीलिए बहुत सारे लोगों को न्याय देने की कोशिश हमारी है। स्पेशल पैकेज कुछ है उड़ीसा के लिए? स्पेशल पैकेज तो मतलब अभी जो हमारा 1,26,000 करोड़ का जो बजट है, उसमें से उड़ीसा के लिए भी मतलब उनका जो हिस्सा है वो हिस्सा से दिया जाएगा और यहाँ के दलितों के विकास के लिए काम किया जाएगा। देखिए, अब देखिए एक चीज़ है, आप जो बोल रहे हैं कि उड़ीसा में दलित के ऊपर अत्याचार हो रही है, तो सभी अखबार में अत्याचार हो रहे हैं, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या स्पेशल किया है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एट्रोसिटी एक्ट में अमेंडमेंट भी की है, और जो अत्याचार होता है तो उसमें हम लोग कम से कम 8.25 लाख रुपए तक उनको मुआवजा देते हैं, कॉम्पेंसेशन देते हैं। जो एट्रोसिटी करते हैं लोग, दलित अत्याचार करते हैं, उनको तो सजा भी दी जाती है, और दलित और सवर्ण लोगों को जोड़ने के लिए मतलब ये कानून बनाया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की भारत सरकार की कोशिश है। जो जो हमारी जनधन योजना है, मुद्रा योजना है, आवास योजना है, और उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, ऐसी योजनाओं का फायदा भी जनरल कैटेगरी के साथ साथ दलित और आदिवासियों को भी देने की कोशिश हमारी होती है, और इसीलिए दलितों का जो उद्धार है, विकास है, वो करने के लिए जरूर मेरे मंत्रालय की तरफ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा बजट दे दूँगा।